गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था, फेस ऑफ एंड स्टैंड ऑफ ओवर द पेंगोंग सो लेक के पास में। देर आर रिजेस, तो हिल्स है जिनको फिंगर्स का नाम दिया जाता है। एंड इस स्टैंड ऑफ के बीच में पॉलिटिकल लीडरशिप, डिप्लोमेटिक मिलिट्री लीडरशिप के बीच में बातचीत के दौरान इट अपीयर्ड कि ये जल्दी डिस्प्यूट या रिजोल्व होने की डायरेक्शन में मूव हो रहा था। उसी टाइम पर एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर। अपने कुछ आर्मी के जवान जो थे वो गश्त पे गए थे कि जस्ट टू मेक श्योर कि चाइना इज विड्रोइंग बैक, लेकिन व्हेन आवर सोल्जर्स दे वेंट देयर तो चाइनीज ने उनके ऊपर अटैक किया। करीब 20 जवान हमारे शहीद हो गए, इंक्लूडिंग द कर्नल, द कमांडिंग ऑफिसर। तो ये जो चाइना ने धोखे से हमारे जवानों को मारा और इसके बीच जो है बॉर्डर डिस्प्यूट और ज़्यादा एस्केलेट हो गया है। एंड सोर्सेज आर सेइंग दैट चाइनीज कमांडिंग ऑफिसर गॉट ऑल्सो किल्ड एंड मैनी अदर ऑफ देयर सोल्जर्स ऑल्सो। तो इसी के डायरेक्शन में हम इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि पेंगोंग सो लेक के अराउंड क्या इश्यू है, एलएसी के अराउंड क्या मुद्दा चल रहा है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसका क्या रहा है एंड प्रेजेंटली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। टुडे वेरी गुड आर्टिकल हैज कम इन द हिंदू न्यूज़पेपर। तो थोड़ा इसको समझते हैं कि है ये क्या मुद्दा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये देखो ग्रीन पोर्शन में अभी जो एक्चुअल सिचुएशन दिखाई गई है जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, एंड अभी क्योंकि ये लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया, एंड दिस रीजन इज द अक्साई चिन। दिस अक्साई चिन वाज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, जिसको वॉर के बाद चाइना ने इसको क्लेम ऑक्यूपाई कर लिया था। एंड दिस रीजन इज पेंगोंग सो लेक। इस पेंगोंग सो लेक को देखो यहाँ बड़ा करके दिखाया गया, ठीक है। इसके एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है दिस शोज द यू कैन से द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड देर आर डिफरेंट रिजेज अलोंग दिस लेक एंड दिस रिजेज आर कॉल्ड, वी कॉल देम फिंगर्स। बेसिकली चाइना का एक ये कॉन्सेप्ट था इनिशियली कि जिसने तिब्बत को एज ए पाम प्रेजेंट किया था, पाम मीन्स हथेली और बाकी फिंगर्स थी। तो ये डॉटेड आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, ये आपका पेंगोंग सो लेक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है फॉर आवर एग्जाम, पेंगोंग सो इज द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे क्या ये डिस्प्यूट आगे बढ़ा एंड व्हाट एक्चुअल पोजिशन ऑफ बोथ कंट्रीज आर ओवर दिस रीजन। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो वायलेट लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन चाइना इसको एज एन एलएसी प्रेजेंट करता है बिकॉज इस वजह से उसका और एरिया एक्सटेंड कर जाता है टुवर्ड्स इंडिया। एंड दिस लाइन, ये लाइन जो है इसको इंडिया एज एन एलएसी प्रेजेंट करता है, वी क्लेम कि हाँ ये जो वाली लाइन है ये एलएसी है। तो इस वजह से फिंगर 7 तक जो है वो इंडिया का कंट्रोल इस पर होना चाहिए। एक्चुअल पोजिशन क्या है, देखो ये रिजेज है, बिल्कुल रिजेज मीन्स पहाड़ियाँ हैं, ये कुछ पहाड़ियां हैं, राइट। इन पहाड़ियों को फिंगर्स बोला गया, ठीक है, उंगलियां जैसे होती हैं। तो इन रिजेस के ऊपर कंट्रोल जो है अप टू जो है फिंगर 3 तक जो है इंडिया का कंट्रोल है, फिंगर 4 तक भी कह सकते हैं, फिंगर 4 पर, लेकिन उसके बाद जो है चाइना का कंट्रोल है, चाइना के ऑक्यूपेशन में ये। और इंडिया की पोस्ट एंड बेस अगर देखें, फिंगर 3 के पास में, 4 के पास में जो है इंडिया का पोस्ट है, बेस है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इस फिंगर 4 और 3 के बीच में, इस फिंगर 4 के बाद जो है इंडिया जनरली जो एग्रीमेंट था, जो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली फिंगर 4 से 8 तक के बीच में दोनों आर्मीज जो है वो पेट्रोलिंग करती है, राइट, बिकॉज वो कॉमन एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया आप कह सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच का। तो यहाँ पर दोनों आर्मीज जो हैं वो पेट्रोलिंग कर सकती थी। अब चाइना ने फिंगर 4 तक अपनी सड़क बना ली, यहाँ तक रोड बना लिया चाइना ने, राइट। अब इस लेक के किनारे पर इंडिया का बेस कैंप भी है जहाँ पर हमारे
जो ये बेस कैंप आपको दिखाया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे जवान तैनात रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, करीब 5 मई के बाद जो है चाइनीज़ जो सेना है वो फिंगर 4 तक आ गई, और इसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पर जब ये चाइनीज़ सेना आ जाती है, चाइनीज़ आर्मी आ जाती है, अब जो गश्त लगाने हमारे जवान जाते थे फिंगर 4 से 8 के बीच में, बिकॉज दिस वॉज कॉमन पेट्रोलिंग एरिया, पेट्रोलिंग के लिए उनको जाने नहीं दिया गया आगे। और जबकि चाइना जो है, चाइना फिंगर 4 से भी इधर इस साइड आगे एक्सपेंड करना चाहता है। इट इज़ वी ऑल नो चाइना इज एक्सपेंशनरी एंड वेरी एग्रेसिव पावर, तो वो और ज़्यादा एक्सटेंशन करना चाहता है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इंडियन आर्मी जो पहले की तरह गश्त करना चाह रही थी टू द अप टू द फिंगर 8 एरिया, लेकिन चाइना ने उसको 4 से आगे नहीं जाने, और चाइना फिंगर 4 की तरफ आगे जाना चाह रहा है, ठीक है। तो इस अब इंडियन आर्मी व्हेन इट डिसाइडेड इट स्टार्टेड पेट्रोलिंग, तो चाइना स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग इट, और उनकी आर्मी ने वहां पर हमारे जवानों को रोक लिया यहाँ पर, जो कि एग्रीमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था। अब इंडिया चाहता है, इंडियन आर्मी वॉन्ट्स कि चाइना पहले की तरह ही जो है फिंगर 8 तक ही रहे, ठीक है, इंडियन आर्मी या फिंगर 4 तक, चाइनीज आर्मी फिंगर 4 तक, और बीच का एरिया एज एन पेट्रोलिंग, जो दोनों आर्मीज पेट्रोल कर सकती है। तो ये एक हमारा अंडरस्टैंडिंग थी जिसको चाइना ने इसको ब्रेक किया है, प्रॉमिस को ब्रेक किया, एग्रीमेंट को ब्रेक किया, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पेंगोंग सो लेक के अराउंड क्या ये मुद्दा आपका चल रहा था। तो फिर से उसी को दिखाया गया यहाँ पर, अगर हम देखें ये डिफरेंट फिंगर्स हैं, रिजेज हैं, फिंगर 1, 2, 3 एंड 4, इंडिया का बेस कैंप है यहाँ पर फिंगर 3 के पास में, यहाँ एक पोस्ट भी है 4 के पास में, चाइनीज बेस कैंप ओवर द फिंगर 8 के इधर यहाँ पर, और फिंगर 4 से 8 के बीच का जो एरिया है वो कॉमन पेट्रोलिंग एरिया था जिसको ब्रीच किया अभी चाइना ने, एंड चाइनीज फोर्सेज दे केम अप टू फिंगर 4, और यहाँ पर इंडिया को इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। इसी के रिगार्डिंग हमारे एग्रीमेंट भी हुआ अभी रिसेंटली, पीस टॉक्स चल रही थी सर्टेन डिप्लोमेटिक चैनल्स और पॉलिटिकल चैनल्स के थ्रू, एंड स्टैंड अप वाज अबाउट टू गेट रिजोल्व, लेकिन इसी दौरान चाइना ने हमारे जवानों पे अटैक किया व्हेन दे वेंट टू मेक श्योर कि चाइनीज आर्मी दे आर गोइंग बैक, ठीक है। नाउ दिस पिक्चर ऑल्सो शोज द सेम थिंग अलोंग इट, कि यहाँ वाला ये जो एरिया पेंगोंग सो लेक, यहाँ पर इसके और पेंगोंग सो के पास में अगर ऊपर की तरफ जाते हैं देन गलवान वैली ऑल्सो कम्स थ्रू द सेम थिंग। तब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं बाय सुशानी हैदर, हिस्ट्री द स्टैंड ऑफ एंड पॉलिसी वर्थ री रीडिंग। तो क्या पॉलिसी है जो कि उस टाइम पे थी इंडिया की व्हेन दिस स्टैंड ऑफ स्टार्टेड कमिंग इनिशियली, व्हेन इंडिया चाइना वॉर हैपेंस, और इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और जो पॉलिसी थी वो वर्थ रीडिंग है, क्या हम पॉलिसी से गेन कर सकते हैं। तो सुशानी हैदर इस बारे में लिखती हैं, शी सेज कि इनिशियली इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ था ओवर द रिजेस और फिंगर्स अराउंड द पेंगोंग सो। तो ये एक देखा जाए, ये पेंगोंग सो के अराउंड जो फिंगर्स वाला जो डिस्प्यूट है, एक एज ए मेटाफर है बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन ए ब्रॉडर स्केल, वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। तो उस वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का एक पार्ट है छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो वो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चाइनीज स्ट्रेटेजी जिसको हम रेफर करते हैं 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बतन पाम, कि तिब्बत को अगर एक हथेली मानकर और 5 उसकी फिंगर्स को चाइना प्रेजेंट करता है, जैसे माओ ने बोला था, माओ ने माओ के अकॉर्डिंगली तिब्बत वॉज चाइनाज राइट पाम, तिब्बत चाइना की राइट हथेली है, और उसके कुछ फिंगर्स हैं, वो फिंगर्स क्या है, उन फिंगर्स को लिबरेट कराना है, और वो फिंगर्स आपकी लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो ये चाइना स्टार्टिंग से ऐसे क्लेम करता है, एंड इन द सेम वे पेंगोंग सो के अराउंड भी 5 फिंगर्स हैं, तो जिसको एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में हम देख सकते हैं, कंसिडरिंग तिब्बत एज द राइट पाम एंड 5 फिंगर्स, जो भी नाम बताए ये 5 फिंगर्स के तौर पर। अब इंडिया ने, इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी रही है, इंडिया ने बोला कि भाई ये जो ऑल 5 फिंगर्स दे आर क्लोजली अटैच्ड टू इंडिया नॉट चाइना, ये 5 फिंगर्स हैं लेकिन ये इंडिया से अटैच्ड है ना कि चाइना से। तो अभी हम इंडिया की जो स्ट्रेटेजी उस टाइम पर रही है हम उसको स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल इसका एक सिग्निफिकेंस देखते हैं।
स्टार्टिंग में 1950s में 1954 में आपका पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड चाइना. देन बट स्टार्ट इन सब चीज़ों के बावजूद जो है देर वॉज एग्रेशन फ्रॉम द चाइनीज साइड एंड सिचुएशन स्टार्टेड डिटेरियरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो चाइना ने प्रोक्लेमेशन करते रहे बीच में अलग अलग मुद्दों के ऊपर, और स्पेशली जब दलाई लामा जो है इंडिया में आए इन 1959, तो चाइना ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया भी कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए. तो चाइना ने इस तरह से एक काउंटर अटैक किया व्हेन इंडिया गेव रिफ्यूजी टू दलाई लामा. देन चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या काम किया यहाँ पर कि इसी के अगेंस्ट, जैसे कि इंडिया ने दलाई लामा को पनाह दी यहाँ पर, शरण दी, तो चाइना ने नागा और जो मिजो जो डिसिडेंट्स थे उनको चाइना में रिफ्यूजी दी और ट्रेनिंग दी यहाँ पर. और इवन स्कूल जो टेक्स्ट है चाइना की, वहाँ पर 5 फिंगर्स को, जो हमने बात की लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इनको चाइना का पार्ट दिखाया गया. अब इन सभी के बावजूद उसके बाद हमने देखा कि इंडिया एंड चाइना वॉर इन 1962 एंड इंडिया गॉट डिफिटेड इन दैट वॉर. नेहरू की काफ़ी कुछ मिसकैलकुलेशंस उस लड़ाई के दौरान बताई जाती है, बिकॉज नेहरू जी डिडंट प्रेडिक्ट, उन्होंने वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि चाइना जो है वॉर कर सकता है इस टाइम पर. तो काफ़ी कुछ मिसकैलकुलेशन रही थी उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के द्वारा. तो अभी बता रहे हैं कि लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें जो 3-pronged स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट की थी उस टाइम पर, 3-pronged फॉरेन पॉलिसी दैट आवर कंट्री हैड एट द टाइम, वो डिटेल में डिस्कस नहीं की गई. तो हम उसको आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट दैट 3-pronged स्ट्रेटेजी वॉज. और ये 3-pronged स्ट्रेटेजी थी टू काउंटर, इफेक्टिव काउंटर टू माओज 5-finger policy. ठीक है, तो ये एक मेंस का पॉइंट बनता है कभी क्वेश्चन इन इन दिस डायरेक्शन कम्स. सो हम यहाँ पर ये काउंटर कर सकते हैं, 5-finger policy के अगेंस्ट ऑलरेडी वी हैड ए पॉलिसी दैट इज 3-pronged फॉरन पॉलिसी, उसको हम डिस्कस करते हैं और हाउ वी कैन रिवाइव दैट पॉलिसी. सो फर्स्ट 3 पॉलिसी ब्रॉड में आपको बताता हूँ एक बार. फर्स्ट पॉलिसी वॉज रिगार्डिंग मैनेजिंग बॉर्डर्स एंड दैट वॉज टू बी डन थ्रू इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IFAS. सेकेंड पॉलिसी वॉज रिगार्डिंग आउटरीच एंड ट्रीटीज दैट वी हैड विद नेपाल, भूटान, फिर सिक्किम को हमने प्रोटेक्ट्रेट स्टेट बनाया ट्रीटीज के थ्रू. तो ये सारी ट्रीटीज के बारे में. थर्ड पॉलिसी वॉज रिगार्डिंग आवर विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत. ठीक है, तो ये हमने 3 पॉलिसीज के रेस्पेक्ट में हमने डिस्कस करना है, तो वो देखते हैं डिटेल में. अब बॉर्डर्स को जो मैनेज करना है वो रिगार्डिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, इसके रिगार्डिंग एक हमारा इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन करना है अलोंग द बॉर्डर्स इन दीज फिंगर एरियाज. तो IFAS इस सर्विस को बनाया गया टू ओवरसी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया एंड अदर एरियाज अलोंग इंडिया चाइना फ्रंटियर. तो ये जो इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ये किससे आना था, इसके कैडर्स ओवरलैप थे किस किस से, IAS, IPS एंड IFS. इन 3 सर्विसेज में आपस में पर्सनल का एक्सचेंज होना था, कैडर वाज ओवरलैपिंग अमंग दीज थ्री. और इनकी पोस्टिंग रोटेशन के बेस पे होती थी. सेकेंडली एक स्पेशल डेस्क बनाई गई इन द MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था फॉर टूर इन द NEFA से लेके लद्दाख के कंप्लीट एरिया के अंदर. फिर ये आर्टिकल बताता है कि जो इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि अभी रिसेंटली कैच कर रहा है, बिकॉज अभी हम देखे काफ़ी कुछ ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, और डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेटेड इन लद्दाख रीजन. फिर अभी रिसेंटली कालापानी रीजन में भी एक रोड बनाया गया है. तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रिसेंटली कैचअप कर रहा है, बट इसका जो बेस है वो बेस जो है वो IFAS के दौरान एग्जिस्टेंस में था, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो 3 सर्विसेज थी, IAS, IPS, IFS, तीनों को मिला के कंबाइन करके रोटेशन के बेस के ऊपर इसमें पर्सनल का एक्सचेंज होना था. तो IFS का जो रोल है वो बाद में 1968 में IFS को वाइंड अप कर दिया गया और इसका रोल दिया गया इंडियन आर्मी को और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को BRO, जो कि फिलहाल रोड्स बनाने का काम करते हैं इन द बॉर्डर एरियाज. अब ये कह रहे इस आइडिया को रिविजिट करने की जरूरत है, स्पेशली अलोंग द फ्रंटियर. जो फ्रंटियर के अलोंग एरियाज है वो अभी कंप्लेन कर रहे हैं, कहते हैं कि नेगलेक्ट है एंड लैक ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर. उन फ्रंटियर एरियाज के CMs ने ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दे हैव कॉल्ड फॉर रिसेलेक्शन ऑफ IFAS.
तो इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के सीएम ने बोला इसको फिर से रिवाइव करो। तो ये एक हमारा पॉइंट बनता है एक सजेशन के अंदर, मेंस के अंदर वी कैन से दैट। सेकंड प्रोंज ऑफ दैट थ्री प्रोंज स्ट्रेटजी दैट न्यू दिल्ली हैड एट द टाइम टू काउंटर माओज फाइव फिंगर पॉलिसी, सेकंड वाज आउटरीच एंड ट्रीटीज। तो इंडिया ने कुछ ट्रीटीज साइन की विद नेपाल एंड भूटान, वी ऑल नो। तो वो था टू कंट्रोल, टू कंसोलिडेट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिवली अदर टेरिटरीज जो कि इंडिया में एक्सीड होनी थी। सो हमने ट्रीटीज साइन की, फॉर एग्जाम्पल लद्दाख बिकेम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1947, कलेक्टिवली जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पार्ट बना ऑफ इंडिया बाय साइनिंग वेरियस ट्रीटीज एक्सेशन एग्रीमेंट के थ्रू। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया इन 1951। In 1950, इंडिया ने सिक्किम के साथ एक ट्रीटी साइन की एंड मेड सिक्किम एज ए प्रोटेक्टरेट स्टेट, तो प्रोटेक्टरेट स्टेट बन गया। और 1975 में जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे सिक्किम को अनेक्स कर लिया गया एंड सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। फिर ये बता दें इन सभी ट्रीटीज का एक स्पेशल रिलेशनशिप है, यूनिक रिलेशनशिप है विद न्यू दिल्ली फॉर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल नेपाल एंड भूटान। तो नेपाल और भूटान के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि दोनों कंट्रीज आपस में इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, ये जो विन विन सिचुएशन रही है दोनों के रेस्पेक्ट में। बट ओवर टाइम दीज ट्रीटीज दे हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, उन ट्रीटीज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी, उनकी यूटिलिटी जो है वो खत्म होने की तरफ मूव कर रहे थे हम। ऑलराइट, अब इंडिया और नेपाल भूटान इनके बीच में क्या है, देखो ओपन बॉर्डर्स है, ईज ऑफ मूवमेंट है कंप्लीटली, जॉब्स एंड एजुकेशन फॉर देयर यूथ वो यहाँ पर नेपाल भूटान से जो इंडिया में आकर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। एंड इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज टू दीज कंट्रीज। तो ये काफी कुछ चीज़ें रही, लेकिन ये अब धीरे धीरे करके दे आर वेनिंग अप, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू नेपाल। देन इट डिस्कस की चाइना, हाउ चाइना हैज बीन एबल टू मेक इनरोड्स इन टू नेपाल। नेपाल में तो चाइना जो है काफी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन नेपाल प्लेज चाइना कार्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अभी रिसेंटली इवन कालापानी वाला जो इश्यू है जिसके ऊपर नेपाल क्लेम कर रहा है, ठीक है, जो कि काफी मुद्दे के अंदर आ गया है, तो इवन इट इज सेड दैट यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पर। अब भूटान के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि नेपाल के साथ ऐसा हुआ कि नेपाल इज वी कैन से मूविंग टुवर्ड्स चाइना इन दैट रिस्पेक्ट। तो वो क्या रीजन रहा है, तो उसके बारे में आर्टिकल सुशानी हैदर बताते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है भूटान के साथ जो जो ट्रीटी था इन 1949, गवर्नमेंट ने नेगोशिएट की थी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन नेपाल, बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इस ट्रीटी को रिप्लेस किया गया विद इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 2007। यानी जो पुरानी ट्रीटी थी उस ट्रीटी के कुछ प्रोविजन ऐसे रहे होंगे जो कि विद टाइम दैट शुड हैव बीन चेंज्ड, उन ट्रीटीज को रिप्लेस किया गया नई ट्रीटी से, दैट इज फ्रेंडशिप ट्रीटी, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 2007। एक आर्टिकल को ड्रॉप किया गया जिसमें जिसमें भूटान वॉज टू बी गाइडेड बाई इंडिया इन इट्स एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं से सॉवरेंटी और इसके रिगार्डिंग अनदर कंट्री कैन जस्ट परसीव इट एज ए एनक्रोचमेंट वी कैन से। बट उस चीज को आर्टिकल को हटाया गया है वहां पर, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वॉज डेवलप्ड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। सो इंडियन भूटान बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रीटी देयर रिलेशनशिप कैप्ट इन गुड स्टेड इवन ड्यूरिंग डोकलाम स्टैंड ऑफ। तो डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान भी भूटान सपोर्टेड इंडिया स्टैंड। अब जबकि काठमांडू के साथ देखे, काठमांडू के साथ रिसेंट ईयर्स में रिलेशनशिप हैज स्ट्रेंड अ लॉट, और हमने देखा है कि इट हैज ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन रिव्यूइंग कि न्यू दिल्ली बेसिकली, इंडिया बेसिकली 1950 की जो ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसको चेंज नहीं किया गया, रिवाइव नहीं किया गया, इसको वी कैन से रिप्लेस भी नहीं किया गया। कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं दैट शुड हैव बीन चेंज्ड, दिस आर्टिकल सेज दैट। और इवन देयर वाज ए ईपीजी एमिनेंट पर्सन ग्रुप द गवर्नमेंट ऑफ ऑन एक्सेप्टिंग अ रिपोर्ट ऑन एमिनेंट पर्सन ग्रुप ऑन नेपाल इंडिया रिलेशन, उसने भी कुछ रिकमेंड किया था रिगार्डिंग न्यू ट्रीटी, बट न्यू ट्रीटी वॉजेंट एक्सेप्टेड, वॉजेंट इन फैक्ट मेड इन टू इफेक्ट। सो
जो ट्रिटीज है, न्यू ट्रिटीज मे नॉट इन देमसेल्फ रिड्यूस इंडिया सिक्योरिटी, लेकिन वो जो नई ट्रिटीज क्या करती है, वो एक दे क्रिएट ए स्पेस फॉर मोर म्यूचुअली रिस्पॉन्सिव डिप्लोमेसी. दोनों कंट्रीज के बीच में एक रिस्पेक्टफुल स्पेस रहता है एंड मेक्स द रिलेशनशिप, बायलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज मोर हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव. तो सेकंड हमने क्या पढ़ा कि आउटरीच एंड ट्रिटीज जो वी हैड विद नेपाल एंड भूटान, तो रिगार्डिंग स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट नेपाल, कि नेपाल के साथ ट्रिटी जो थी हमने उसको रिप्लेस नहीं किया विद टाइम दैट रिक्वायर्ड द चेंजेस, बट विद भूटान वी डिड. सो भूटान से हमारा रिलेशन अच्छा है, नेपाल से नहीं हो पाए. सो वो जो है एक हमारा जो गलती रही है वो कह रहे हैं कि इसको रिवाइव, हमें उसको ठीक करना चाहिए. थर्ड जो प्रॉन्स वॉज रिगार्डिंग तिब्बत इश्यू. सो इंडिया की जो पॉलिसी टुवर्ड्स पाम, ठीक है, पाम को क्लेम किया है, माओ के अकॉर्डिंगली पाम क्या है, तिब्बत है, ठीक है. तो इंडिया की पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स पाम और तिब्बत. इनिशियली दलाई लामा को शेल्टर देने के लिए इंडिया ने डिसाइड किया इन सिंस 1959 जो है, उसके बहुत सारे फॉलोवर्स इंडिया में रहते हैं एंड दिस स्टेप वॉज लोडेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल. अब प्रेजेंटली जो है दलाई लामा के पास लॉयलिटी है ऑफ द ऑल द तिब्बतंस वर्ल्ड वाइड, बट क्वेश्चन ये उठता है कि हु विल टेक अप हिज सक्सेशन, उसके बाद कौन. तो जो लीडरशिप की नेक्स्ट लीडरशिप है उसके रिगार्डिंग जो है वो एक चीज है जो कि दैट इज अनसर्टेन. एक करमापा लामा है जो कि इंडिया में रहे थे आफ्टर हिज फ्लाइट फ्रॉम चाइना इन 2000, और ही इज सपोज टू बी ए पॉसिबल पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ दलाई लामा, बट ही हैज नाउ टेकन सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री एंड ज्यादातर वो यूएस में रहते हैं, तो इंडिया से थोड़ा उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है थोड़ा कम हो गया हो. और चाइना भी बात कर रहे हैं कि अपनी खुद की च्वाइस के लीडर को प्रेजेंट कर सकते हैं टू द कम्युनिटी. अब इंडिया जो इट इज होम टू सो मेनी तिब्बतंस, सो इंडिया मस्ट चार्ट ए मोर प्रोमिनेंट रोल इन दिस डिस्कोर्स ऑफ ब्रिंगिंग ए न्यू लीडरशिप फॉर द लामा कम्युनिटी, तिब्बतन कम्युनिटी लामा. अब जम्मू एंड कश्मीर पे हम देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग की इंडिया ने रिसेंटली रीनेगोशिएट किया रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर इन लास्ट ईयर. तो जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया एंड लद्दाख वाज मेड आल्सो ए यूटी. आर्टिकल 370 को एक तरह से नलीफाई कर दिया गया, इट वाज मेड आउट ऑफ इफेक्ट आर्टिकल सेम वे. तो इसी तरह से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हम देखते हैं कि चाइना ने इस स्टेप को कैसे लिया, बीजिंग, हाउ बीजिंग ट्रीटेड दिस. तो बीजिंग ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया इसके बाद कि जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया एंड दे सेड कि इम्पैक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिया ने स्टेप लिया था ऑफ एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 के जो इम्पैक्ट्स थे. सो इसको बताया एज एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन चाइनीज टेरिटोरियल सॉवरेंटी बाय यूनिलैटरली चेंजिंग इट्स डोमेस्टिक लॉज, बिकॉज एक डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना अलोंग द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो इसको यूनिलैटरली कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो यूटी बना के, तो दैट सीज एज चाइना सीज एट चेंजिंग ऑफ पोजीशंस बाय इंडिया यूनिलैटरली. फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो है पार्लियामेंट में बोला था कि वी विल टेक बैक POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड एक्साइड चीन एज वेल. तो इसको भी चाइना ने इसको लाइटली नहीं लिया, चाइना कंसिडर्ड इट वेरी सीरियसली. देन रिगार्डिंग POK के रिगार्डिंग क्या इश्यू है, क्यों केवल ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का नहीं, चाइना भी इसको अपना कंसर्न समझता है इन द वे, बिकॉज CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट पासिस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से वो पास करता है. चाइना इज इन्वेस्टेड हैविली ओवर इट, मोर देन $40 बिलियन का चाइना का इन्वेस्टमेंट रहा है. सो अभी रिसेंटली इसलिए चाइना का काफ़ी कंसर्न है, चाइना डज नॉट वॉन्ट इट टू जस्ट गो आउट ऑफ यू कैन से पाकिस्तान. सो इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट करता है चाइना. देन न्यू मैप जो जम्मू कश्मीर का जो न्यू मैप है, राइट, और टाइज विद नेपाल एज वेल. तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ एक कॉन्सिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं एक पिक्चर प्रेजेंट करती हैं एज वी डिस्कस्ड. सो वट वी नीड द गवर्नमेंट बिकम्स रेडी on dealing with China and it must not lose its sight of every finger in the play. Jo bhi finger hai, that we say Ladakh or we say Nepal, Bhutan, every Arunachal Pradesh, every finger Sikkim, because Sikkim recently Nakula ke along the standoff raha hai. So different
फिंगर्स के लॉन्ग देर हैज बिन स्टैंड ऑफ, तो उसके रिगार्डिंग इंडिया हैज टू बी केयरफुल अबाउट इट्स एवरी फिंगर दैट वाज ऑफ द माओ पॉलिसी इनिशियली कंसिडरिंग तिब्बत एज जापान. सो इट इज अ वेरी गुड आर्टिकल, जस्ट यू कैन फिगर इट आउट ए ब्रॉड पॉइंट्स लाइक थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया. वी कैन रिवाइव मैनेजिंग द बॉर्डर्स, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज पार्ट ऑफ दैट. वी कैन से ट्रिटीज को रीनेगोशिएट करना है विद नेपाल सो दैट मोर फ्री स्पेस कैन बी गिवन टू नेपाल एंड ए गुड रिलेशनशिप कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तिब्बत इश्यू के रिगार्डिंग वी नीड टू मेक श्योर कि जो नेक्स्ट जो कम्युनिटी के लीडर एंड लामा वो थोड़ा इंडियन रोल शुड बी देयर इन दैट. सो डिफरेंट हमने टॉपिक्स डिस्कस किए इसी के अंदर. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप. वी हैव टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. We are some civil servants who are able, who are ready to help you regarding of your doubts and queries. And if you like this video, please do subscribe, like and share. Thank you very much.